चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है अबाउट द अमेंडमेंट। आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से जो एक चैप्टर है उसका, और चैप्टर का नाम क्या है, टेक ओवर, राइट। चलिए ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हालांकि आपको बहुत ज्यादा अमेंडमेंट यहां पे दिया हुआ नहीं है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन ये छोटा जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि कुल मिलाकर अगर मैं पेजेस की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेजेस का अमेंडमेंट आपको यहां पर दिया गया है, ऐसा देखने से आपको लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। यूजुअली कैसा होता है कि बच्चे ये देखते हैं, बोले सर आईसीएसआई ने सप्लीमेंट दिया है, और सर आईसीएसआई ने जो सप्लीमेंट दिया है उसके अंदर बोले कुल मिलाकर 33 पेजेस दिए गए, बोले इन टोटल, उसमें से बोले टेकओवर का पेज हमने देखा तो बोले टेकओवर के अंदर बोले 7 पेजेस का अमेंडमेंट जो है वो दिया गया है। हालांकि यहां आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। क्या गलती सर? बोले या तो आपने वहां जाके उस चीज को पढ़ा नहीं कि आखिर उसके अंदर कौन से पॉइंट दिए गए हैं जो अमेंडमेंट वाले होंगे, और या फिर क्या सही में ये सारे के सारे पॉइंट अभी ही दिए गए हैं, ये इसके पहले ही दिए जा चुके थे। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने सेकेंड वाला जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था मर्जर एंड अमलगमेशन, और थर्ड वाला जो चैप्टर था जिसका नाम था इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में या फिर कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट के बारे में, राइट। तो उन दोनों ही चैप्टर्स के अंदर हमने एक चीज को नोट किया कि उनमें से कुछ अमेंडमेंट्स जो कि अभी भी दिए हुए हैं उनके बारे में ऑलरेडी जून 2018 के टाइम पे ही दे दिया गया था, यानी कि जून 2018 के लिए जो अमेंडमेंट आपको दिए गए थे उनके बारे में जिक्र वहां पे भी किया हुआ था, राइट। और कुछ ही चीजें थी जो कि एडिशनली आपको वहां पे प्रोवाइड की गई थी। अरे वेट ना पॉइंट, यहां बेसिकली मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 33 पेजेस के अमेंडमेंट आपको दिए गए हैं, ऐसा सोच के आप अगर पैनिक होके बैठ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां इस चैप्टर के बारे में बात करूं, जिसको अगर आप आईसीएसआई के सप्लीमेंट में जाके देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि सर 7 पेज का सप्लीमेंट वहां पे दिया हुआ है टेकओवर वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन बेसिकली अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये जो 7 पेजेस आपको दिए गए हैं इनमें से मैक्सिमम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों? अरे सर ये देखिए जरा, यहां पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर रेगुलेशन नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। सर बोले जो लिस्टेड कंपनीज का टेकओवर होता है उन कंपनीज को सेबी का SAST रेगुलेशन 2011 जो है उसको बोले फॉलो करना पड़ता है, जिसमें अमेंडमेंट हुआ होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अंडरस्टूड? अब क्या हुआ कि यहां पे जो आपका ये SAST रेगुलेशन है जिसको अमेंड किया गया 2017 में, और 14 अगस्त 2017 से इसमें जो अमेंडेड है और जो रिवाइज्ड वाला रेगुलेशन नंबर 10 है, सर रेगुलेशन नंबर 10 और 11, ये दो रेगुलेशन अगर आपको ध्यान होंगे तो दोनों ही दोनों एग्जेम्पशन के बारे में बात करते हैं। सर कौन सा एग्जेम्पशन? सर ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज। बोले क्या? सर हमने ये पढ़ा था टेकओवर रेगुलेशंस के हिसाब से कि अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं और टारगेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? बोले आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ये नॉर्मली हम जानते हैं, हमने ये चीज पढ़ी हुई है, राइट। लेकिन रेगुलेशन नंबर 10 और 11 कहता है कि नहीं नहीं, अगर आपका जो सिचुएशन है, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इन सब चीजों में फॉल हो रहा होगा, अगर वो इन कंडीशंस को पूरा कर रहा होगा तो बोले ऐसे केस में आपको कोई ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। क्या दिया गया है? एग्जेम्पशन दिया गया है। सर रेगुलेशन नंबर 10 जो है उसमें जनरल एग्जेम्पशन दिया गया है, रेगुलेशन नंबर 11 जो है उसमें स्पेसिफिक एग्जेम्पशन जो है वो आपको दिया गया है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इस हिसाब से ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्या क्या एग्जेम्पशंस आपको दिए गए। बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालांकि मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर सारे के सारे एग्जेम्पशंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एग्जेम्पशंस के लिए बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होते हैं और पॉइंट्स क्लियरली समझ में नहीं आते हैं। मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीजें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें अमेंडमेंट नहीं होंगे। तो सवाल आता है सर अमेंडमेंट क्या होगा? सर अमेंडमेंट किसी और चीज की वजह से हो सकता है। एग्जांपल सर बोले
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया, राइट right? तो उसकी वजह से कोई इंपैक्ट यहां पे हो सकता है, जो एसएसटी पे पड़ रहा होगा उसकी वजह से अमेंडमेंट आ सकता है, या फिर कोई और नया रूल या रेगुलेशन या एक्ट पास हुआ होगा जो 2017 के आसपास आया होगा, और जिसका इंप्लीकेशन जो है वो इस बड़े चीज पे भी पड़ रहा होगा, यानी कि टारगेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने पे पड़ रहा होगा, या फिर ओपन ऑफर से रिलेटेड कोई इंपैक्ट होगा, और या फिर उसके संदर्भ में जो एग्जेम्पशंस वगैरह होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ चीज होगी। What the point? तो ऐसे केस में हमने सिंपली यहां पे कहा कि आपको कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए होंगे इन एडिशन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट स्टिल हम यहां पूरी चीजें बेसिकली अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं क्या कहता है। सर सबसे पहली बात, यहां आपको रिवाइज्ड वाले रेगुलेशन नंबर 10 दिए गए हैं, यानी कि पूरा रेगुलेशन नंबर 10 जो कि ओपन ऑफर से एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपसे यह कहता है कि इवन अगर आप टारगेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे होंगे और वो एक्विजिशन करके अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे तो उसके बावजूद आपको कोई ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी जो सिचुएशन है वो रेगुलेशन नंबर 10 के हिसाब से आती होगी तो। Is this point clear? तो ये बात आपको यहां पे बेसिकली बोली जा रही है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बेटा रेगुलेशन नंबर 10 जो कि बात करता है जनरल एग्जेम्पशंस के बारे में, और उसमें भी रेगुलेशन नंबर 10 का जो सब रेगुलेशन नंबर 1 है जिसके अंदर कुल मिला के चार बातें आपको दी गई है। कौन सी सर? क्लॉज ए आपको दिया गया है, क्लॉज बी आपको दिया गया है, क्लॉज सी आपको दिया गया है, देन क्लॉज डी आपको दिया गया है, एंड उसके बाद आपको क्लॉज डी ए दिया गया है। सर ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर अगर मैं लगातार यहां पे बात करता हूं क्लॉजेस के बारे में तो ए बी सी डी, डी के बाद में ई आता है, ये बात हम जानते हैं। ये देखिए आप यहां पे आगे ई है, एफ जी एच आई, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर बीच में कहीं पे डी ए लिखा गया होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉमन सेंस वाली बात है कि ये एग्जेम्पशन होगा? देखिए यहां पे जैसा मैंने आपसे कहा था कि जरूर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से यहां पे इस पर्टिकुलर चीज में भी कुछ चेंज लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया। अंडरस्टूड? तो सर यहां पर ये वाले पॉइंट को आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आई के बाद में आपको यहां आई ए दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? आई ए दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी आपका क्या रहेगा बेटा? एग्जेम्पशन रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर उसके बाद जाके आपको जे दिया गया है, दैट्स इट, डन। तो कुल मिला के ये इतनी बातें जो हैं वो आपको रेगुलेशन नंबर 10 के सब रेगुलेशन नंबर 1 के अंदर दी गई है। Is this point clear? तो ये बात आप यहां पे ध्यान जरूर दीजिएगा। Got it? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर अलग अलग टाइप के acquisitions के अंदर अलग अलग टाइप का exemption जो होता है वो आपको यहां प्रोवाइड किया गया है। Understood? क्या क्या exemption है, क्या क्या बातें हैं, डिटेल में जाके अच्छे तरीके से पूरा मंथन करते हुए अपन यहां पे समझेंगे और कहीं पे भी कोई भी डाउट का पॉइंट यहां पे अपन नहीं छोड़ेंगे। अंडरस्टूड? हो सकता है बहुत डिटेल्ड में होने की वजह से आपको एक आधा पॉइंट कहीं जाके बोर हो रहा हो, बट उसके बावजूद आपको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि रेगुलेशन नंबर 10 और रेगुलेशन नंबर 11 के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। गॉट इट? चलिए तो बड़े सबसे पहली बात यहां पे कही जा रही, बोले क्या सर? बोले अगर टारगेट कंपनी में शेयर्स को आप एक्वायर कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बेटा? टारगेट कंपनी के अंदर आप शेयर्स को एक्वायर कर रहे होंगे, एंड ये जो एक्विजिशन आपका हो रहा होगा इट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये एक्विजिशन हो रहा है क्योंकि किसी न किसी पार्टीज के बीच में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्वालिफाइंग पर्संस के बीच में होता है, किसके बीच में होता है बेटा? क्वालिफाइंग पर्संस के बीच में होता है, तो कहा गया है
कि सब्जेक्ट टू फर्दर कंडीशंस आपके इस पर्टिकुलर चीज को हम एग्जेम्प्ट करते हैं, यानी कि आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा यही बात को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझिएगा कि मैं आखिर यहां क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, सब बोले आपका जो रेगुलेशन नंबर 10 है, इस रेगुलेशन नंबर 10 के अंदर 14th ऑफ अगस्त 2017 से अमेंडमेंट है, और रेगुलेशन नंबर 10 आपका जो है इसको किया गया है रिवाइज। Is this point clear? And sir, इस revision के हिसाब से कहा गया है कि regulation number 10, sub regulation number 1 और उसका जो part A है वो आपसे यहां पे कुछ कह रहा है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे regulation number 10, sub regulation 1 के अंदर J तक के points आपको दिए गए हैं, यानी कि J तक के points के हिसाब से बोला गया है कि अगर आप target company के shares को acquire कर रहे होंगे और अगर आप threshold limit को cross कर रहे होंगे तो ऐसे केस में आपको open offer देने की कोई जरूरत नहीं है, subject to some other conditions as well, got it? और उसमें से सबसे पहला जो point है वो आपको यहां पे कुछ कह रहा है। क्या कहता है? से कहता है कि अगर मान लीजिए देयर इज अ कंपनी जिसका नाम आपने दिया टारगेट कंपनी, बराबर है, और इस टारगेट कंपनी के कुछ शेयर्स होंगे जो कि आपके पास में आ रहे हैं, राइट? लेकिन आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस टारगेट कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा। कौन होगा बेटा? कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा और ये बंदा अपने शेयर्स आपके पास ट्रांसफर कर रहा होगा। बेटा मैं यहां एज्यूम करके चल रहा हूं कि कंपनीज एक्ट में जो आपने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन नाम की चीज के बारे में पढ़ा था उसके बारे में आपको अच्छे से यहां पे पता है, ठीक है? तो बेटा यहां बहुत सिंपली कि अगर यहां ये ट्रांसफर हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बेटा? ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये कि इस कंपनी के कुछ शेयर्स जो कि इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में है और अगर उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ये वाले शेयर्स ट्रांसफर होके आपके पास जा रहे हैं तो ऐसे केस में कहा गया है कि आपको यहां पे भले ही आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे तो भी आपको ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि यहां जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्वालिफाइंग पर्सन के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए बेटा? क्वालिफाइंग पर्सन के बीच में होना चाहिए। ये पॉइंट आपको यहां पे अच्छे तरीके से बोल दिया गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे। अब जैसे ही ये वाली बात बोली गई तो दिमाग में सवाल आया, सो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिफाइंग पर्सन? क्वालिफाइंग पर्सन का मतलब क्या है? अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी ना। मतलब आपने कहा कि अगर जो ट्रांसफर हो रहा होगा, अगर जो शेयर्स का एक्विजिशन हो रहा होगा वो क्वालिफाइंग पर्सन के बीच में हो रहा होगा तो बोले ऐसे केस में ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर क्वालिफाइंग पर्सन का मतलब क्या है, राइट? चलिए तो ध्यान से बेटा नोट्स में आपको दिया गया है, कहा गया है क्वालिफाइंग पर्सन में जो सबसे पहला इंसान है वो आपका आएगा इमीडिएट रिलेटिव। कौन सा रिलेटिव बेटा? इमीडिएट रिलेटिव, मतलब ये कि अगर ये वाला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हमारी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज करके है ऑलरेडी और अगर ये बंदा अपनी शेयर होल्डिंग इस बंदे को दे रहा है जो कि उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का इमीडिएट रिलेटिव होगा, बेटा सोचने वाली बात है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने वाली बात है। जब आपने टेकओवर वाला पूरा चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर के अंदर हमने ये बहुत अच्छे से जाना कि अगर कोई भी इंसान मेरे कंपनी के शेयर्स मार्केट में कहीं से भी परचेज कर रहा है और अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो उसे इन शेयर्स को एक्वायर करते टाइम पे एक ओपन ऑफर देना होता है। क्या देना होता है बेटा? एक ओपन ऑफर देना होता है और प्राइस वहां पे कोट करना होता है। Understood? लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भले ही इस सिचुएशन के अंदर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेज कर रहे हैं
जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होंगे, उसके बावजूद आपको ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा अगर जिस इंसान से आप शेयर्स ले रहे हैं वो आपका इमीडिएट रिलेटिव है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत सिंपल सी बात, जरूरत ही नहीं ना सर, जरूरत ही नहीं है। अरे भाई उसके शेयर्स मेरे पास में आ रहे हैं, इमीडिएट रिलेटिव के पास में आ रहे हैं, दूर के रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा हूं, इमीडिएट रिलेटिव की बात कर रहा हूं। अपना हस्बैंड, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को शेयर्स दे रहा है, बराबर है? तो भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का एक्विजिशन कर रही होगी वाइफ, तो क्या ये कह देंगे कि आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा? आंसर इज नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इट। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहला क्वालिफाइंग पर्सन कौन है बेटा यहां पे? इमीडिएट रिलेटिव, राइट। दूसरा, सो बोले एक ऐसा इंसान या ऐसे लोग, एक इंसान या एक से ज्यादा इंसान जिसका नाम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर के तौर पे लिखा गया होगा, यानी कंपनी का ही प्रमोटर है, टारगेट कंपनी का ही प्रमोटर है, लेकिन कितने टाइम के लिए बेटा? कम से कम पिछले 3 सालों से। अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमारी ही टारगेट कंपनी का एक प्रमोटर है और आज से नहीं पिछले 3 सालों से, सर कब से 3 साल? सर प्रायर टू द प्रपोज्ड एक्विजिशन, जिस टाइम पे वो बंदा कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने की बात कर रहा है, फिर चाहे वो मार्केट से शेयर्स को परचेस करने की बात कर रहा होगा, लेकिन ये ऐसा बंदा है या ये ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि कंपनी ने फाइल किया होगा एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट और एज पर दीज रूल्स, राइट। तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से अगर वो बंदा कंपनी का प्रमोटर है पिछले 3 सालों से, तो ऐसे केस में कहा गया है कि वो बंदा भी क्वालिफाइंग पर्सन कहलाएगा। और अगर उस बंदे ने कोई शेयर्स को परचेज किया होगा, यानी कि किसी और बंदे ने अगर इस बंदे के पास में शेयर्स को ट्रांसफर किया होगा, तो ऐसे केस में ये बंदा क्वालिफाइंग पर्सन होने के नाते इसका किया हुआ जो एक्विजिशन होगा उस एक्विजिशन के ऊपर ओपन ऑफर की जो कंडीशन है वो नहीं लगेंगी। Understood the point? Done. चलिए फिर उसके बाद क्वालिफाइंग पर्सन की बात की जाए, तो कंपनी, जो कंपनी है वो अपने ही कंपनी के शेयर्स को बायबैक करने की बात कर रही होगी या परचेज करने की बात कर रही होगी, तो ओपन ऑफर की बात यहां नहीं कर सकते, सीधी साधी बात। या फिर हमारी कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, सर ये तो घर की बात हो गई, हमारी ही कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने की बात कर रही है, और या फिर हमारी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी होगी, और या फिर हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी कंपनी होगी, राइट, ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, या फिर कोई ऐसा बंदा होगा या ऐसे बंदे होंगे, कोई ऐसा बंदा होगा या ऐसे बंदे होंगे होल्डिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसके पास हमारी कंपनी के कम से कम 50% शेयर्स जो है वो उसके पास में है, तो ये बंदा तो घर वाले बंदा हो गया। मतलब अगर मुकेश अंबानी, कौन बेटा? मुकेश अंबानी, अगर मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के शेयर्स को मार्केट से परचेस करने की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में अगेन सर जरूरत ही नहीं है ओपन ऑफर देने की। क्यों? क्योंकि सर कहो या ना कहो टारगेट कंपनी का जो कंट्रोल है वो ऑलरेडी उसी बंदे के पास में है ना, तो ओपन ऑफर देके यहां पे करना क्या है? इज दिस पॉइंट क्लियर? फिर उसके बाद में, या फिर एनी अदर कंपनी, कोई और कंपनी, कोई भी और कंपनी इन विच सच पर्सन, यानी कि मुकेश अंबानी, सच पर्सन होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, ऐसी कोई और तीसरी कंपनी रिलायंस के अलावा जिसके अंदर मुकेश अंबानी की जो होल्डिंग है वो 50% से ऊपर है, मतलब ऑलरेडी वो कंपनी जो है वो मुकेश अंबानी के कंट्रोल में है। अब ये जो कंपनी है थर्ड पार्टी जो है, इसको आप यहां पे क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटर का नाम नहीं दे सकते, काय को? क्योंकि एक ही बंदा हमारी कंपनी और वो वाली कंपनी दोनों को ही क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अगर एक ही बंदा दोनों कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कंपनी आउटसाइडर कहां से हो गई? ये जो कंपनी है ये कॉम्पिटिटर कहां से हो गई? ये तो घर की कंपनी हो गई ना भाई, सीधी सीधी बात। अंडरस्टूड? डन। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन
that the control over such qualifying persons being exclusively held by the same person. मतलब इस कंपनी में भी कंट्रोल मुकेश अंबानी का और इस कंपनी में भी कंट्रोल मुकेश अंबानी का. अगर ऐसा रहा तो ऐसे केस में अगर ये कंपनी हमारी इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने की बात कर रही होगी तो ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत नहीं है. और या फिर यह भी कहा गया कि यह वाली जो कंपनी है जिसमें मुकेश अंबानी के पास में 50% से ज्यादा के शेयर्स हैं, उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज होंगी अगर वो हमारी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने की बात कर रही है तो उसको भी यहां ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड द पॉइंट? डन. चलिए फिर उसके बाद सब बोले अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि पैक है. एवरीवन नोज अबाउट द पैक. Person acting in concert. बराबर है. कोई ऐसा बंदा जो कि पैक है, person acting in concert है, for at least 3 years. आज की डेट से जब हम acquisition करने की बात कर रहे हैं, उसके पिछले 3 सालों से वो बंदा क्या है, हमारी कंपनी या फिर हमारे बंदे के लिए जो ऑलरेडी acquisition वगैरह करता है वो पैक के तौर पे काम करता है और इस पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्क्लोजर्स वगैरह सब दिए हुए हैं पहले से एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट. अगर ऐसा रहा तो ऐसे केस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद में सब बोले जो हमारी टारगेट कंपनी है उसी टारगेट कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो किसी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से शेयर्स एक्वायर करने की बात कर रहे होंगे बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो अगेन बोले आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन. क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा. सो बोले शेयर होल्डर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी हु हैव बीन पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. हमारी ही कंपनी के शेयर होल्डर जो कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट भी होंगे फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से. बराबर है. पिछले 3 सालों से टू द प्रपोज्ड एक्विजिशन एंड आर डिस्क्लोज एज सच इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट. सेम पॉइंट दिया गया बेटा. वहां पे पहले वाले पॉइंट में आप हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं थे, बट किसी बंदे के लिए आप पिछले 3 साल से पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के तौर पे काम कर रहे थे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के तौर पे काम कर रहे थे और उस चीज के बारे में लिस्टिंग एग्रीमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से आपने ऑलरेडी डिस्क्लोजर दिया हुआ था कि हां मैं 100% के लिए पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का काम कर रहा हूं. और वही चीज यहां पे भी बोल दी गई कि आप पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट तो है बट साथ ही साथ कंपनी के भी क्या है बेटा, शेयर होल्डर है. फिर क्या कहता है, एंड एनी अदर कंपनी या फिर कोई और कंपनी इन विच द एंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय सच शेयर होल्डर्स. कौन से शेयर होल्डर्स? ये वाले सच शेयर होल्डर्स इन द सेम प्रपोर्शन एज देयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी. सर जितने परसेंट शेयर्स इस बंदे के हमारी कंपनी के अंदर है उतने ही परसेंट शेयर्स इस बंदे के किसी और कंपनी में अगर हैं, और अगर ये वाली कंपनी हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही होगी तो सीधी सी बात है क्या कि ऐसे केस में ये शेयर होल्डिंग इसके हिसाब से ही माना जाएगा और ओपन ऑफर देने की यहां पे कोई जरूरत है ही नहीं. ठीक है. ओके. विदाउट एनी डिफरेंशियल एंटाइटलमेंट टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट इन सच कंपनी. मतलब सेम आपका जो प्रोपोर्शन है वो होना चाहिए और उसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए. Is this point clear? Done. तो बेटा कुल मिला के आपको क्वालिफाइंग persons की अगर बात यहां पे की जाए तो आपको इतनी बातें यहां पे बोली गई हैं. अगर इन्हीं चीजों को मैं एकदम शॉर्ट में लिखने की बात करूं तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, इमीडिएट रिलेटिव वाला. दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो बंदा कंपनी का प्रमोटर होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए और पूरी लाइन आपको वापस से पढ़ना ना पड़े रिवाइज करते टाइम पे, तो आप भी अपने नोट्स में शॉर्ट में लिख लीजिएगा. ठीक है. प्रमोटर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, एकदम शॉर्ट में. बराबर है. इसका मतलब भी वही निकलता है जो हमने अभी अभी पढ़ा. बस इतना है जो हमने पढ़ा वो थोड़ा डिटेल्ड में था, जिसमें यह कहा गया था कि सर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल किया गया है उसके हिसाब से बंदा प्रमोटर होना चाहिए. अंडरस्टूड? ठीक. फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें कहा गया सबसे पहली बात कि हमारी जो कंपनी है वो क्वालिफाइंग पर्सन है,
फिर कहा कि हमारी कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो ये भी क्वालिफाइंग पर्सन है। फिर हमने कहा कि हमारी कंपनी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो ये होल्डिंग कंपनी भी क्वालिफाइंग पर्सन है। फिर हमने कहा कि अगर इस होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो ये भी क्वालिफाइंग पर्सन है फॉर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इनटू आर कंपनी, हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए। अंडरस्टूड। और फिर उसके बाद में पॉइंट आया कि से बोले ऐसा कोई इंसान जिस बंदे के पास हमारी कंपनी के कम से कम 50% इक्विटी शेयर्स होंगे तो ये बंदा भी क्वालिफाइंग पर्सन कहलाएगा। और फिर उसके बाद में कहा कि सर ऐसी कोई और कंपनी जिसके अंदर इस बंदे के कुल मिला के 50% शेयर्स होंगे तो ऐसे केस में ये कंपनी भी हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए उसके एक्विजिशन के पर्पस के लिए क्वालिफाइंग पर्सन कहलाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहा कि इस कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी होती है बेटा, सब्सिडरी कंपनी होती है, तो कहा गया कि वो सब्सिडरी कंपनी भी हमारी कंपनी के लिए क्वालिफाइंग पर्सन कहलाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड में था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। आई होप कि ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में कोई ऐसा इंसान जो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, सिंपल पॉइंट आपको ये वाला कह दिया गया। और फिर उसके बाद में अगले पॉइंट में कहा गया कि सर कोई एक ऐसा इंसान जो कि शेयर होल्डर है हमारी ही कंपनी का, और शेयर होल्डर होने के साथ में वो बंदा पैक है, लेकिन ही इज पैक इन आर कंपनी फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से। और उसके अलावा कहा क्या कि सर बोले कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर हमारे इस बंदे का इन्वेस्टमेंट है और ये बंदा उस कंपनी में भी शेयर होल्डर है फॉर सेम प्रपोर्शन, विथ नो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो ऐसे केस में कहा गया कि ये जो आपकी अदर कंपनी रहेगी ये कंपनी भी हमारी कंपनी के लिए क्वालिफाइंग पर्सन कहलाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है सर। तो ये कुल मिला के आपको 4 बातें जो हैं वो आपको यहां पे क्लियरली बोली गई, लेकिन वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोले क्या सर? बोले रेगुलेशन नंबर 10, सब रेगुलेशन 1 के क्लॉज 1 के हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा, क्लॉज 1 के हिसाब से अगर आप एग्जेम्पशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर आप एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो कहा गया कि आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा, उसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन ये आपकी पहले वाली और कंडीशन ये आपकी दूसरे वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बेटा। क्या है कंडीशन, ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पे अलग से बना के देता हूं, बराबर है? ध्यान से कहता है क्वालिफाइंग पर्सन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन नंबर 10(1)(a). अब ये ध्यान से सुनिए बेटा, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम यहां जो कंडीशन लिखने जा रहे हैं ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 1 के लिए है, इसके बाद बी से लेके जे तक जो आप पॉइंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए आपको अलग से कंडीशंस दी गई होंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन सर। क्या कंडीशन है ये बोला गया है आपको, फिर कहा गया है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 2 conditions, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 2 conditions। अच्छा बेटा एक बात और बहुत ध्यान से सुनवा,
हो सकता है कि जो तरीका मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, हो सकता है जो वर्ड्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके सप्लीमेंट से मैच ना हो रहे हो या फिर जो रेगुलेशन दिया गया है उससे मैच ना हो रहे हो। लेकिन मेरा यकीन मानिएगा कि ये चीज यहां आपके सामने चार्ट के तौर पे प्रेजेंट करने के पहले मैंने खुद इन सारी चीजों को अच्छे से मंथन किया है। मंथन करके फिर ये देखा है कि इसको मैं कैसे एक ऐसे मैनर में प्रोवाइड कर सकता हूं कि मेरे बच्चों को ये चीज जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, एकदम लेमैन लैंग्वेज के अंदर। गॉट द पॉइंट? तो एट द एंड अगर मैं आखिरी में जाऊंगा, यानी कि पूरा प्रोविजन पढ़ने के बाद में अगर आप मैच करने की बात करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि प्रवीण सर ने ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो बेयर एक्ट के अंदर या फिर मॉड्यूल के अंदर या फिर सप्लीमेंट के अंदर चीजें लिखी गई है वो सारी की सारी सेम चीजें हैं। उनका मतलब जो निकल रहा है वो एकदम सेम निकल रहा है, ये आपको एश्योरिटी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इत्मीनान से पहले पूरी बात सुनिएगा जो मैं यहां पर आपको बोलने जा रहा हूं। अंडरस्टूड? डन। तो वापस से बेटा कहता है कि अगर कोई क्वालिफाइंग पर्सन होगा, कुल मिला के चार टाइप के क्वालिफाइंग पर्सन अपन ने पढ़े, चार पॉइंट्स उसके बारे में अपन ने पढ़े, अगर वो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे होंगे और थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे तो उनको ओपन ऑफर के हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोविजन उनके ऊपर नहीं लगेंगे, बट सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। सर क्या है दो कंडीशंस? सर कंडीशंस में अगर बात की जाए तो यहां जो आपको दो कंडीशंस दी गई हैं, सबसे पहली पॉइंट आता है अबाउट द एक्विजिशन प्राइस, बराबर है, यानी कि जो शेयर्स को आप यहां एक्वायर करने वाले हैं वो शेयर्स का जो प्राइस है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने रुपए पे शेयर्स आप एक्वायर करने वाले हैं, बराबर है। तो एक्विजिशन प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द सेकंड कंडीशन और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात बोले अगर हमें एक्विजिशन प्राइस के बारे में डिसाइड करना हो तो जहन में एक सवाल आता है, पहला सवाल कि सर बोले क्या कंपनी के जो शेयर्स हैं, इफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, इफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, क्या ऐसा है क्या? बराबर, हो सकता है, हो सकता है कि हमारी कंपनी जो है, टारगेट कंपनी जो है, जिसके शेयर्स और सिक्योरिटीज जो हैं वो लिस्टेड हैं कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, इसी वजह से आप SAST के रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, राइट? तो सर हो सकता है कि हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है दैट इफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। अंडरस्टूड? अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं तो क्या, और अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होते हैं तो क्या, ये यहां पे पॉइंट आपका बनता है। तो ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इस चीज के बारे में कि अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं तो क्या किया जाए। तो ध्यान से सुनो, तो कहा गया है कि आपका जो एक्विजिशन प्राइस होगा, आपका जो एक्विजिशन प्राइस होगा, इट शैल नॉट बी हायर यहां ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां एक पॉइंट आपको दे दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप उसके इतने परसेंट तक जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट उसके ऊपर आपको जाना नहीं है। तो क्या कहता है बेटा, कहता है इट शैल नॉट बी हायर बाय 25% ऑफ, कितना परसेंट बेटा, 25%। इट शैल नॉट बी हायर देन 25% ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। ये ध्यान से सुनो बेटा, बोले क्या सर, बोले आपको क्या करना है, आपको बोले यहां पे एक मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना है
जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस होना चाहिए, वो प्राइस को आप डिटरमाइन कर लीजिए। उसका जो 25% आपको निकालना है वो 25% आप निकाल लीजिए। उतने रुपए तक का अगर आप चार्ज करना चाहते हैं प्राइस को तो कर लीजिए, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? लेकिन पूरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालना है, लेकिन ये जो निकालना है वो कितने दिनों के हिसाब से निकालू? अगर मेरी कंपनी के शेयर्स की बात करो वो तो डेली ट्रेड होते हैं। अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात करो सर, कंपनी के शेयर्स तो 5 साल से लिस्टेड है, पॉसिबल है। तो क्या मैं 5 साल का निकालू या फिर 2 साल का निकालू या फिर 1 साल का निकालू या कितना निकालू? तो यहां कहा गया है अगेन क्या, बाय 25% ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ लास्ट 60 डेज। नोट्स में लिखा होगा 60 डेज इमीडिएटली प्रायर, 60 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन। अंडरस्टूड? लेकिन अपन सिंपली यहां बोल देते हैं कि पिछले 60 दिन, लास्ट 60 डेज ऑन द लास्ट 60 डेज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर हाइएस्ट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम या मैक्सिमम वॉल्यूम, आप वॉल्यूम बोल दीजिए नंबर बोल दीजिए बात तो एक ही है। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ड्यूरिंग सच 60 डेज। ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आया क्या? अगर यही वाला पॉइंट मैं नोट्स में से पढ़ने की बात करूं, सप्लीमेंट में से पढ़ने की बात करूं या बेरेक्ट में से पढ़ने की बात करूं, तो तीनों में ही पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। इसी वजह से मैंने इस चीज को डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया और टुकड़ों में बांट के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ताकि कैलकुलेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? यानी कि सिंपल सी बात बेटा, अगर इसी चीज को मैं हिंदी में बोलने की बात करूं तो कह सकते हैं कि आज की डेट के हिसाब से, आज की डेट क्या है, आज की डेट है आपकी 24th of October, बराबर है। अगर आज की डेट पर आप ये चीजें करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो कहा गया कि आज की डेट से पिछले 60 दिन आपके जो थे, पिछले 60 डेज आपके जो थे, उन 60 डेज के हिसाब से हमारी कंपनी के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हुए होंगे। सर कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे? कुल मिला के 2 है, NSE है और BSE है। बोले सर वो वाला स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया गया हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उस स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, उस स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से हमारी कंपनी के शेयर्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है वो फाइंड आउट कर लो। अंडरस्टूड? और वो निकालने के बाद में उसका जो 25% है वो निकाल लो, और जो भी आपका प्राइस होगा एक्विजिशन करने का, वो प्राइस आपका 25% ऑफ उस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ऐसा आपको यहां पे बोला जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? डन। तो ये पॉइंट आपसे यहां पे कहा गया। फिर उसके बाद में कहता है क्या, सो बोले इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, अगर बोले हमारी कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड ही नहीं होते हैं तो अभी क्या करें? तो ध्यान से सुनो बेटा, तो कहा गया है कि आपका जो भी एक्विजिशन प्राइस होगा, इसमें पहली लाइन कॉपी पेस्ट, दैट इट शैल नॉट बी हायर बाय द प्राइस डिटरमाइंड अंडर रेगुलेशन 8 सब रेगुलेशन नंबर 2 एंड क्लॉज। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर टेकओवर के बारे में अगर मैं प्राइस की बात अगर करूं तो रेगुलेशन नंबर 8 सब रेगुलेशन नंबर 2 और ई जो है वो आपके नोट्स में आपको दिया गया, बराबर है। तो कहा गया है कि उसके हिसाब से जो प्राइस है वो फाइंड आउट कर लो। एंड जस्ट अ सेकेंड,
ये उतने की ही बात करता है कि उसके परसेंटेज की बात करता है, वो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। परसेंटेज की बात करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 25%। यहां पे भी कहता है क्या, शैल नॉट बी हायर बाय 25% ऑफ द प्राइस। बराबर है सर, जो भी प्राइस आप रेगुलेशन नंबर 8 सब रेगुलेशन नंबर 2 के क्लॉज ई के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे, उसके 25% से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। एक बार ये पूरी बात जो है वो नोट्स में से भी पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि सर अगर बोले ट्रांसफर की वजह से एक्विजिशन हो रहा होगा बिटवीन द क्वालिफाइंग पर्संस, जो कि कुल मिला के ये चार कैटेगरी के हमको बताए गए हैं, तो कहा गया है कि आपको यहां पे एग्जेम्पशन दिया गया है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशंस, और एग्जेम्पशंस क्या है, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट फॉर पर्पस ऑफ अवेलिंग द एग्जेम्पशन अंडर दिस क्लॉज आपको ये वाली कंडीशन पूरी करनी होगी, और दूसरी जो है वो कहता है दैट ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी शैल हैव कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है दैट स्टिल द कंपनी विल हैव टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन।